Hello my dear student, my name is Krishna Om Dwivedi and today we are discussing about question number 3rd of exercise 3.3. देखिए देखते हैं यहाँ पे question number 3rd में क्या है. Form the pair of linear equation for the following problems. Means यहाँ पर कई सारी problems दी गई हैं. उनके लिए सबसे पहले हमें क्या find करना है? We have to find the pair of linear equation and find their solution by substitution. Means after that, when we will get the equation by this problem, we have to find the values of variable. Means we want to find the value of x and y. ठीक है? देखिए यहाँ पे problem दी गई है, इसका solution करते हैं भाई. ठीक है? Okay? यहाँ पर दिया है the difference between two number is 26. Means we have two number and the difference of that two number is 26. सबसे पहला काम हमारा, because we are discussing about pair of linear equation of two variables, so we have to find that two variables. ठीक है? क्या होंगे भाई वो दो वेरिएबल? तो यहां पर हो जाएगा let one variable या one number is equal to x and another number is equal to y. ठीक है? यहाँ पे बोल रहा था difference between two number is 26. दो number क्या जो difference है, ये हमारी first condition हो गई. First condition है दो number का difference means x minus y is equal to 26. ठीक है? X minus y is equal to 26. ऐसा भी मान सकते थे the larger number and the स्मॉलर नंबर इज 26. ठीक है? तभी डिफरेंस मिलेगा दोनों का. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स है. ठीक है? तो यहां पर मैंने बताया था जब भी आपको ऐसा कोई भी रिलेशन दिया जाए तो आपको क्या करना है. सेकेंड कंडीशन में देखते हैं. जब भी आपको ऐसा कोई भी रिलेशन दिया जाए तो दोनों जो आपने वैल्यू सपोज की है उन दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमें इक्वल में रखना है. फिर क्या बोला? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. ठीक है? मतलब ये जो नंबर है, वी कैन से दैट एक्स इज अ लार्जर नंबर. ठीक है? या यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते थे लेट लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर. जैसे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया उसमें, वन नंबर टू नंबर दिया है तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते. अब इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई लार्जर नंबर ही स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स होगा. उसने बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर. 3 टाइम्स है इसका, इसका मतलब ये वाला नंबर इससे 3 टाइम्स बड़ा है. इस छोटे वाले नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूशन मेथड है भाई, कुछ करने नहीं है. डायरेक्टली एक्स की वैल्यू दी गई है, पुट कर दो भाई. पुट द value of x in equation first में ये value put कर लेते हैं. x की value कितनी है भाई? 3y minus y is equal to 26. ये हो गया. means यहाँ पर 2y is equal to 26. 2y is equal to कितना हो जाएगा? 26 हो गया. after that यहाँ पर y is equal to 26 by 2, that is equal to 13. This is the value of smaller number. Now we want to find the value of larger number. Then another, put this value in equation. Second, put this value in equation. Second, okay? यहाँ पर second equation में हम लोग y की वैल्यू को पुट कर देते हैं. यहां पर कितना हुआ भाई? x इज इक्वल टू 3 इंटू में 13. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 39. देन द लार्जर नंबर विल बी 39 एंड द स्मॉलर नंबर इज 13. ओके? तो ये हमारा हो गया 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर. ठीक. तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 3.3. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री.
ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, वी हैव टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका एडिशन 180 डिग्री, द सम ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दीज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसमें से ऐसा बोला है कि उसमें से जो वन एंगल है, वन एंगल इज मोर देन दैट ऑफ अनदर एंगल इज 18 डिग्री। ठीक है, मतलब जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, और इसके बाद जो हमारा ये हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उन दोनों का एडिशन कितना है, दैट इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट लार्जर एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज वाई। ठीक है, यहां पर जो लार्जर एंगल है दैट इज एक्स और स्मॉलर एंगल कितना है वाई। ठीक है, उसने ऐसा बोला है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो फॉर फर्स्ट कंडीशन ठीक है, अगर भाई सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब कि दोनों ही एंगल का एडिशन कितना होगा 180। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई एंड फर्स्ट इक्वेशन भी हो गई, उसमें ऐसा बोला है कि वी हैव टू सप्लीमेंट्री एंगल एंड इफ वी हैव टू सप्लीमेंट्री एंगल देन दैट एडिशन विल बी 180 डिग्री। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल वही होते हैं जिनमें अगर दोनों एंगल को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो 180 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन, फॉर सेकेंड कंडीशन, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में कंपैरिजन किया गया है भाई कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉल बाय 18 डिग्री। और भाई जब भी ऐसा रिलेशन हो, मैंने आपको एक सिंपल सी कंडीशन बताई थी, आपको दोनों को कुछ इस तरह से रख देना है। ठीक है, उसने बोला है कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, और आपको दोनों इक्वल करना है तो आपको इसमें 18 ऐड करना पड़ेगा या तो आपको इसमें 18 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो वैल्यू ज्यादा होगी उसमें सबट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू कम होगी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, इस y को इधर ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर आप यहां पर दोनों इक्वेशन देखो और चाहे तो इसमें सेकंड इसी को लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। यहां पे हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इस एक्स की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहां पर कितना हुआ वाई प्लस 18, इस एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया वाई प्लस 18 प्लस में वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इतना हो y plus y that is equal to 2y, ये जो 18 था ये उधर गया, then 180 minus 18, ठीक है, इतना हो गया। अभी मैंने क्या किया यहाँ पर 2y is equal to 180 minus 18 that is equal to 162, ठीक है। अभी हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें से y is equal to 162 by 2, it means 81, this is the value of y। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई। अभी हमें क्या करना है, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकेंड इक्वेशन। चलिए देखते हैं इसमें से, तो यहां पर नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड पे हम लोग y की वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू y की जगह पे 81 प्लस 18, देन x की जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 9, देन दैट इज 99। ठीक है, एक हमारा जो लार्जर एंगल हुआ, दैट लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 एंड स्मॉलर एंगल is equal to कितना हुआ 81। देखो भाई दोनों का डिफरेंस भी
कितना है 18 है और दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये हमारा हुआ थर्ड के सेकंड का। चलिए तो अभी देखते हैं थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं इसको। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 7 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज, ठीक है, एक कोई कोच है वो 7 बैट्स खरीदता है 6 बॉल्स खरीदता है 3800 रुपीज के, ठीक है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, ठीक है, उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल को 1750 पे बाय करता है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें सभी बॉल एक बैट और एक बॉल का प्राइस फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पर लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है। हमें यहां पर वन बॉल और वन बैट का कॉस्ट हमने यहां पर सपोज कर लिया, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें तो वी वन, अभी हम लोग फर्स्ट कंडीशन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो भाई अगर एक बैट का प्राइस एक्स रुपीज है तो 7 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7x, भाई 1 का प्राइस एक्स, 2 का प्राइस 2x, 3 का प्राइस 3x, तो 7 का प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 बैट का प्राइस 7x और 1 बॉल का प्राइस कितना है, दैट इज y रुपीज, देन 2 का 2y, 3 का 3y, देन 6 बॉल्स का प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6y, ठीक है। अब इसमें मैंने ऐड ही क्यों किया, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा बोला है कि 7 बैट और 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो मिलाकर के उसने टोटल कितना दिया, दैट इज इक्वल टू 3800 रुपीज उसने पे किए, ठीक है। भाई नॉर्मल सी बात है, आप मार्केट में जाते हो तो वहां पर बहुत सारा सामान परचेज करते हो, तो आप लोग क्या करते हो भाई कि मैंने 5 बैट लिए 6 बॉल्स ली तो उनका टोटल ऐड करके ही आप पैसा पे करते हो। वैसे इसने क्या किया भाई, 7 बैट का प्राइस 7x, 6 बॉल्स का प्राइस 6y, अब दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद टोटल कितना बना, 3800 रुपीज बना और उसने एक साथ पे कर दिया, इसी वजह से हमने यहां पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अब वो कितने परचेज करता है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, ठीक है, अभी वो ले रहा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो भाई 1 बैट का प्राइस x, तो 3 बैट्स का प्राइस दैट इज इक्वल टू 3x एंड 5 बॉल्स का प्राइस दैट इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 1750, पूरा मिलाकर तो वो कितना देता है, 1750 देता है। अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें किसी एक को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसी एक इक्वेशन के थ्रू, चाहे फर्स्ट ले लें चाहे सेकंड ले लें, दैट विल बी डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ले लिए, किसी एक को बना लेते, चाहे वाई को बना ले सब्जेक्ट चाहे एक्स को बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, x को सब्जेक्ट बनाया, देन 3x इज इक्वल टू 1750, ये जो 5y है ये अपोजिट साइड में गया, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहां पर x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये हमारी मिल गई x की वैल्यू, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको हमने नाम दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, अब इस x की वैल्यू को हमें फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, मैंने आपको पहले ही बताया था
किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें दूसरी इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। तो लेंथी कैलकुलेशन हो सकता है, फिर इसको देखते हैं। देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, पुट दिस वैल्यू वैल्यू इन इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन में अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 7 x की वैल्यू पुट कर दी, 1750 माइनस 5y बाई 3, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 7 की जगह पे 7 रख दिया, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दी, प्लस में कितना हुआ, 6y दैट इज इक्वल टू 3800, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू रख दी फर्स्ट इक्वेशन में, बाकी इक्वेशन पूरा का पूरा वैसा ही रख दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसके नीचे 1 रख दिया, नाउ वी कैन टेक एलसीएम, मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया 7 1750 माइनस 5y, मैंने यहां पे क्या लिया है एलसीएम, एलसीएम इज 3, तो भाई इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो होगा तो ये 3 1 3 3 3 6 80, यहां पर कितना हुआ 18y इज इक्वल टू 3800, इसको वैसे ही रखा। अब आपको पता है इसके नीचे अगर 1 है तो ये 1 इधर जाएगा, बाकी का ये इधर आ जाएगा, ठीक। कितना हो गया, अभी हमें क्या करना है, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 0 0 7 5 35, 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 52 5 10, ठीक है। 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12, इतना हो जाएगा। फिर इसमें से माइनस में 7 5 35 प्लस में 35y प्लस में 18y इज इक्वल टू, अब ये 3 इधर आ गया, देन 3800 इनटू में 3, ठीक है। इसका 1 का मल्टीप्लाई ऊपर गया एंड ये आपका 3 into 3800 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर जब जीरो रखा होता है, जब ये डिनोमिनेटर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर नहीं हो जाता है, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पर जीरो है और आप डिनोमिनेटर को इधर लेकर के आते हो तो वहां पर वो नंबर नहीं आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो हमें आंसर हमें हमेशा 0 ही मिलता है, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ, 12250 माइनस यहां पर कितना हुआ 35y में से 18y गया, देन दैट इज इक्वल टू 17y इज इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 300 3 8 24 2 3 3 9 2 11 400, ठीक है। इतना हमें मिल गया, अभी से माइनस 17y उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहां पर 12250 माइनस में 11400 इज इक्वल टू 17y, ठीक है। इतना हो जाएगा, अब इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं भाई, 0 से 0 0 5 यहां पर 5 आया, 12 में से 4 तो यहां पर कितना हो जाएगा 8, यहां पर 11 11 में से 1 कितना हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा 1 1, तो यहां पर 850 बचेगा, 850 इज इक्वल टू 17y, तो y इज इक्वल टू 850 बाई में 17, तो यहां पे 17 5 35, तो y की जो वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू 50। यहां पर जो y की वैल्यू आई है थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, पर क्वेश्चन वही है भाई, वही तरीका आपको हर जगह अप्लाई करना है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करें, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना यहां पर मिल जाएगा आपको, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, मींस y की जगह पे क्या रख दिया, 50 रख दिया, अपॉन में कितना हो जाएगा, ठीक है, 1750 माइनस में 250 डिवाइड बाय में कितना आएगा 3, दैट इज इक्वल टू 1500
बाई में थ्री, ठीक है। तो आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 500, ठीक है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। इट मींस द प्राइस ऑफ द बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, काफी नॉर्मल है। आपकी इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद किसी एक इक्वेशन का यूज करके हमें किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा करके सेकेंड वेरिएबल में रख देना है। After that, you will get the value of one variable, and after that, you can put the value of that variable in equation third, or in equation second, or in equation first. ठीक है? Then you will get the value of another variable that is equal to 500. Then we can say that the cost of the bat is equal to 500 rupees, and the cost of the ball is equal to 50 rupees. ठीक है? तो ये हमारा हुआ third के third का solution. एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड का 4। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीस। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है भाई। क्वेश्चन में है क्या, अगर हम लोग यहां पर देखें तो उसने ऐसा बोला है कि व्हेन यू विल बुक अ टैक्सी देन यू हैव टू पे टू टाइप ऑफ चार्जेस। वन चार्ज इज फॉर बुकिंग द टैक्सी एंड अनदर चार्ज फॉर पर किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है भाई। आप जैसे टैक्सी में बैठते हो तो उसमें होता क्या है कि जैसे आपने टैक्सी बुक की भाई, आपने बाय यूजिंग ओला बुक की, ठीक है। तो भाई आपने टैक्सी बुक की, उसके मान लो आपके कुछ भी चार्जेस हो गए, 100 रुपीज 50 रुपीज, जो भी चार्जेस हैं बुक करने के चार्जेस आपके 50 या 100 रुपीज हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट उसने बोला कि भाई साहब आप जो है ना 1 किलोमीटर का मैं 5 रुपीज चार्ज करूंगा आपसे, ठीक है। तो आपको टोटल कितना उसको किराया देना पड़ेगा, टोटल कितना फेयर देना पड़ेगा, वो हमें यहां पर फाइन, ठीक है। उसमें अलग अलग करके फाइंड करना है कि उसको जो है ना फिक्स्ड चार्जेस कितने देने हैं और पर किलोमीटर चार्जेस कितने देने हैं। तो ये दोनों वैल्यू सपोज कर लेते हैं, मींस यहां पर व्हाट विल बी द फिक्स्ड चार्जेस ऑफ अ टैक्सी एंड अनदर विल बी द व्हाट विल बी द पर किलोमीटर चार्जेस ऑफ टैक्सी, ठीक है। यहां पर दो वैल्यू सपोज करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स रुपीज, मान लिया दैट चार्जेस इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड द पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू y रुपीज, ठीक है। यहां पर x रुपीज फिक्स चार्जेस है, जब आप टैक्सी आपने बुक की, बुक करने का चार्ज x रुपीज है। अब आपका जो है ना 1 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्जेस कितने हैं, y, ठीक है। 1 किलोमीटर का y, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, ऐसे ही हमें यहां पर फाइंड करना है। तो उसमें से देखो भाई होता क्या है, ये हमारा हो गया, उसने बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, ठीक है। 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, 105 रुपीज। तो देखो एक फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम लोग देखें तो आपको भाई टैक्सी बुक करने का चार्ज तो पहले ही ऐड हो गया, दैट इज एक्स रुपीज, ठीक है। प्लस में 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। 1 किलोमीटर का 1, 2 का 2y, 3 का 3y, 4 का 4y, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 10y। तो उन दोनों को मिलाकर टैक्सी बुक करने का चार्ज प्लस में 10 किलोमीटर चलने का चार्ज दोनों को ऐड कर दो, उसने टोटल कितने रुपए पे किए, दैट इज इक्वल टू 105 रुपीज। तो ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं फॉर सेकेंड कंडीशन, फॉर
सेकेंड कंडीशन। फिर उसने बोला इसमें से एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब वो बंदा 15 किलोमीटर से चलता है तो वो कितने रुपए देता है, 155 रुपीस पे करता है। बुक करने के चार्जेस तो सेम ही है, दैट इज इक्वल टू एक्स, फिर प्लस में वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो भी 1 किलोमीटर का वाई, तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 वाई, और वो तब टोटल कितने पैसे देता है, 155 रुपीस देता है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और आपको पता है इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 155 माइनस में 15y, ये हमारी होगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जो हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की है, उस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना। चलिए भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, 155 माइनस में 15y प्लस में 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। जहां पर x था यहां पर x था, x की जगह पे क्या रख दिया, 155 माइनस 15y, यहां पर रख दिया 155 माइनस 15y, 10y की जगह पे 10y, 105 की जगह पे 105, ठीक है। यहां पर कितना है, 155, 15 में से 10 है, दैट इज इक्वल टू माइनस 5y इज इक्वल टू 105, ठीक है। ये 155 इधर ले जाते हैं, ऐसा करते हैं चाहे 105 इधर ले जाते हैं और ये 5y इधर ले जाते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें से 155 माइनस 105 इज इक्वल टू 5y, ठीक है। ये 5y इधर गया, 105 इधर आ गया, तो हमें कितना मिला, 155 माइनस में 105, तो ये टोटल जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 5y, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ, 50/5 एंड दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब पर किलोमीटर चार्जेस कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां पर जो y की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 10, आफ्टर दैट वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। थर्ड इक्वेशन क्या है भाई, x इज इक्वल टू 155 माइनस में 15y, वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, 155 माइनस में 15 इंटू में 10, देन 155 माइनस में 150, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसका जो फिक्स्ड प्राइस हुआ वो कितना हो गया, फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड कॉस्ट, वो हो गया हमारा 5 रुपीस, और पर किलोमीटर चार्जेस जो हो गए, पर किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू 10 रुपीस, ठीक है। मतलब आपने टैक्सी बुक की तो भाई उसका 5 रुपीस उसने ले लिया, उसके बाद आप जितना चलोगे, 1 किलोमीटर चलोगे 10 रुपीस, 2 किलोमीटर 20 रुपीस, 3 का 30 रुपीस, ऐसे करके वो चार्जेस लेगा, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, फिर उसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आगे है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच, ये हमें यहां पर मिल चुका है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25, तो यहां पर चार्ज फॉर 25 किलोमीटर वो कितना हो जाएगा भाई, पहले तो फिक्स्ड चार्ज x है वो, प्लस में 25 किलोमीटर का चार्ज, दैट इज इक्वल टू 25y, ठीक है। x किलोमीटर मतलब x इज अ फिक्स्ड चार्ज, प्लस में 25y इज अ पर किलोमीटर चार्ज, तो 25 किलोमीटर का 25y हो गया। नाउ वी कैन
पुट दिस वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में 25 इनटू 10 मतलब टोटल मिला के 25 10 जब 250 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 255 रुपीस विल बी द चार्जेस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट का सलूशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सही से समझ करके कर। चलिए तो अभी देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब हमारे पास, हमें यहां पर सपोज क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी विल गेट अ फ्रैक्शन x अपॉन y। ठीक है, तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हो तो आपका जो फ्रैक्शन होता है दैट इज इक्वल टू 9/11। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 5/6। ठीक है, मतलब यहां पर सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो ये मानना होगा देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पर लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक, दैट इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या बनेगा, हमारा जो फ्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, उसने ऐसा बोला है कि यहां पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है यहां पर कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। तो देखो हमारे पास जो न्यूमरेटर है दैट इज x और डिनोमिनेटर है दैट इज y। ठीक है, तो अगर आप न्यूमरेटर में 2 ऐड करोगे देन इट विल बी x प्लस 2, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे दैट विल बी y प्लस 2, और आपका जो फ्रैक्शन हो गया वो कितना हुआ 9/11। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अभी हमें कोई इक्वेशन तो मिली नहीं, ऐसा करके इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक इधर ये हमारा कहां जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई इधर 9 इधर चला जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 11 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 वाई प्लस 2। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिला यहां पर 11x प्लस 11 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 22, यहां पर 9y प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 9 2 18। ठीक है, इतना हो। अब ये जो वेरिएबल वाले टर्म से वन साइड पे कर लेते हैं और जो ये कांस्टेंट टर्म है उनको अदर साइड पे कर देते हैं। ठीक, यहां पर कितना हुआ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस में 18, ये 22 उधर कर दिया 9y इधर दे दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी दैट इज इक्वल टू 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पर हमारे पास मिल गई इक्वेशन नंबर 1, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये हमारा पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक, अभी हम लोग यहां पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अभी सेकेंड कंडीशन में अगर हम लोग आए तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो इसमें से क्या बोला है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो भाई हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है एक्स, डिनोमिनेटर है वाई, अब इनमें अगर मैं दोनों में 3 3 ऐड कर दूंगा तो हमें यहां पर फ्रैक्शन कितना मिल जाता है 5/6 मिल जाता है।
देन द फ्रैक्शन बिकम 5/6, फिर से वही क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर ये कुछ ऐसा हुआ तो यहां पर हो जाएगा 6, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6x+3 = 5y+3, ठीक है। यहां पर कितना हुआ 6x, 6 3 18 = 5y+15, ठीक है। वेरिएबल टर्म एक वन साइड पे 6x-5y = -18+15, ठीक है। यहां पर कितना हुआ 6x-5y = -3, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अभी हमारा जो काम है वो क्या है, हमें इक्वेशन वन और टू दोनों मिल चुकी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशंस वी हैव इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है। दो इक्वेशन है हमारे पास, तो अब इसके बाद हमारा जो तीसरा टर्म होता था वो ये होता है कि हमें किसी एक इक्वेशन की हेल्प से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेना है फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ऐसा करते हैं सेकेंड इक्वेशन का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने क्या किया, इस 5y को उधर कर लेते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो यहां पर 6x+3 = कितना हुआ 5y हो गया, ठीक है। इस 5 को नीचे ले आते हैं 6x+3/5 = 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, y की वैल्यू आ गई, इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि यहां पर हमने y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन सेकंड का यूज किया है, तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। देन यहां पर कितना हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहां पर 11x की जगह 11x रहेगा, माइनस में 9, y की वैल्यू 6x+3/5, ठीक है। और इसके बाद में इक्वल टू कितना है -4, ठीक है। यहां पर 11x की जगह पे 11x रखा, माइनस नाइन रख दिया, y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू मैंने ब्रैकेट के अंदर 6x+3/5, y की जगह पे ये वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू कितना हो गया -5। नाउ वी कैन टेक द LCM, अगर मैं इसमें LCM लेता हूं देन द वैल्यू विल बी, अगर मैंने क्या किया इसमें LCM लिया, LCM विल बी 5, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 5 5 5 11, जब यहां पर कितना हुआ 55x, और यहां पर कितना हो जाएगा -9, और ब्रैकेट के अंदर 6x+3 = -4, ठीक है, कितना आ गया। अभी हमें क्या करना है यहां पर, ठीक है, अभी हमें यहां पर इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहां पर देखें इसमें से ये आपका, अभी इसको ओपन कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई 55x-96 का कितना हो जाएगा माइनस में 54x, ठीक है। 96 का 54 हो गया, माइनस में आया, फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 के साथ किया, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस में 27/5 = -4, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, इसको जब मैंने सॉल्व किया 55x-96 54x-3 × 9, दैट इज इक्वल टू -27/5 = -4, ठीक है। अभी 55x में से 54x में दैट इज x -27, ये जो 5 का उधर आ गया, देन 5 × -4, यहां पर x -27 = 5 × 4 = 20, वो भी किस में रहेगा माइनस में, -20 आ गया, ठीक है। तो यहां पर x -27 कितना मिला हमें -20, ये 27 उधर गया, तो x = 27 - 20, देन x = कितना हो जाएगा 7,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमें, न्यूमरेटर की जो वैल्यू मिली है वो 7 मिली। अभी इस एक्स की वैल्यू की इक्वेशन थर्ड पे पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पे ये वैल्यू मैंने पुट कर दी तो कितना आ जाएगा यहां पर, y इज इक्वल टू 6 × 7। देखो भाई 6x, तो x की जगह पे 7 रख दिया, प्लस 3 y में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। y इज इक्वल टू 6 × x मींस x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 7 रख दिया, और इसके बाद में प्लस 3 y में कितना हुआ 5। तो यहां पे y इज इक्वल टू 7 × 6 = 42 प्लस 3 y में 5, देन y इज इक्वल टू 45/5, देन y इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहां पर क्या बोला था, यहां पे फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल चुके हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, देन फ्रैक्शन विल बी 7/9, ये हमारा आंसर हुआ, फ्रैक्शन विल बी 7/9, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। अभी हमें करना क्या है, हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे इसमें हमने सॉल्व किए, पर आपको जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए आप आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल कोई भी एक बुक लीजिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी उन बुक से सॉल्व करना है, तब आपके जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो ये हमारा हुआ एक्सरसाइज 3.3 पूरा फिनिश हुआ, ठीक है। और आप आरडी शर्मा से इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं।